आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास की वजह से देर शाम से ही लखनऊ सहित पूर्वांचल के कई जिलों वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज समेत कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं। रात से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और आज सुबह से ये ठंडी हवाएं जा रही हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वांचल के कई जिलों में एक दो दिन तक तेज आंधी भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। 27 जिलों की जनता को दो तीन दिनों तक सावधान रहने को बोला गया है। साथ ही कुछ जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए वाराणसी से कोलकाता और भुवनेश्वर की उड़ाने निरस्त कर दी गई है और एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, तूफान यास का प्रभाव आज सुबह से ही लखनऊ, बनारस सहित कई 27 जिलों में दिखाई देने लगा था। लखनऊ में रात से प्रारंभ हुई ठंडी हवाएं आज देर शाम तक बरकरार रहेंगी। आपको बता दें, कई बार बादलों ने बरसने का मूड बनाया, कुछ सोच समझकर रुक गए। कुशीनगर, मिर्जापुर, महाराजगंज, वाराणसी समेत कई जिलों में मामूली बूंदाबांदी के साथ ही आसमान में काले बादल छाए रहे। गर्मी से राहत तो मिली पर लोग सहमे हुए थे। मौसम विभाग की चेतावनी के कारण लोग घर में रहे। आसमान में बादल छाने के दिन अंधेरा छा गया था। आपको बता दें, पर शाम तक जोरदार बारिश और तेज हवाओं का इंतजार ही बना रहा। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कई जिला अधिकारी ने आपातकाल परिस्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसी बीच आपको बता दें कि IIMD वैज्ञानिक राजेंद्र कुमार जेनामनी ने बताया है कि यास तूफान से एक दो दिन तक पूर्वी यूपी में बारिश होगी। पूर्वी यूपी के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, तूफान का असर अभी 36 घंटे रहेगा। कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। आपको बता दें, वाराणसी जिला प्रशासन ने चक्रवात से भारी वर्षा और मकानों के गिरने की संभावित स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों, सामुदायिक और पंचायत भवनों की रिफिल केयर सेंटर बनाने का फैसला लिया है। DM के आदेश पर सभी ब्लॉकों के BDO और ADO पंचायत और अन्य ब्लॉक कर्मियों के साथ गांव में नजर की कार्य योजना तैयार की। ADO कृषि को निर्देशित किया गया है कि अपने तकनीकी सहायकों के जरिए गांव में तूफान के होने वाले नुकसान और फसल सुरक्षा के बारे में जागरूक करें। प्रशासन ने नदी किनारे के नाविकों, मछुआरों को बोला है कि वो एक दो दिन तक नाव अंदर लेकर न जाएं और नावों को सुरक्षित स्थानों पर बांधें। इसके अलावा मौसम विभाग ने किसानों को चेतावनी जारी की है कि वे अपनी फसलों को इकट्ठा कर लें, अन्यथा तेज हवाओं और बारिश से उनकी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें, दो चार दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं और आज भी सुबह से काले बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही सभी जगह रिमझिम बारिश होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। फिलहाल मौसम विभाग ने मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है कि मौसम का ये मिजाज फिलहाल बरकरार रहेगा।